सूडान में गृह युद्ध में फंसे भारतीय नागरिकों को ऑपरेशन कावेरी के तहत वापस लाना लगातार जारी है। सूडान में फंसे करीब 3000 भारतीय नागरिकों को फिलहाल रेस्क्यू किया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऑपरेशन कावेरी ने सूडान से लगभग 3000 भारतीयों की सुरक्षित वापसी कराई है और सूडान से करीब 229 भारतीयों का जत्था जेदा लाया गया है। मेरे सहयोगी ऋषभ इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ऋषभ, तो लगातार ऑपरेशन कावेरी के तहत भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने का काम जारी है और अब एक बार फिर से 229 भारतीय हैं जिनको जेदा लाया गया है और अब तक अगर देखा जाए 3000 भारतीय हैं जिनको वापस लाया गया है, ये ताजा जानकारी मिल पा रही है। अभी कितने और भारतीय फंसे हो सकते हैं, क्या कुछ जानकारी है इस बारे में? सेक्रेटरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने बताया था कि कुछ 3400 भारतीय नागरिक और 1000 भारतीय मूल के नागरिक अभी सूडान में फंसे हुए हैं। अगर जिसमें से 3000 लोगों को निकाला जा चुका है तो अभी भी 1500 ऐसे लोग हैं जिसको निकालने में भारत को इंटरेस्ट होगा। अभी तक 3000 लोगों को निकाला जा चुका है जिसमें ऑलमोस्ट 9 या 10 फ्लाइट ऐसी हैं जो कि भारत लाई जा चुकी है। तो अब ये देखने लायक होगा कि क्या अब भारत यहाँ से ऑपरेशन कवरेज को कंटिन्यू करता है या नहीं, क्योंकि जो 3400 है उस 3400 में से सभी भारत वापस नहीं आना चाहते। कई लोग अपने सारे सामान के साथ सूडान में रुके रहना चाहते थे। अब ये देखने वाली बात होगी कि यहाँ से आगे कैसे चीजें बढ़ती हैं, लेकिन हाँ 3000 लोगों को निकालना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत सरकार के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषभ आपका इस तमाम जानकारी के लिए।